मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान एयरपोर्ट पर लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी भी बांधी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री प्रहलाद पटेल, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर के विजयपुर पहुंचे थे, जहां वे आभार सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश भर की लाडली बहनों के खातों में राशि अंतरित की। लगभग 25,000 से ज्यादा स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से रक्षाबंधन की 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रुपया लाडली बहना का और 250 रुपया रक्षाबंधन का डाला गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश के साथ ग्वालियर अंचल में श्योपुर जिले के अंदर और सागर जिले में, सागर संभाग में टीकमगढ़, दोनों स्थान पर मैं शामिल हुआ। यहाँ विजयपुर के स्थान पर माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अजय सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री रामनिवास रावत जी, हम सब ने मिलकर के धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आज के इस अवसर पर हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे यहाँ के सांसद हमारे भारत सिंह कुशवाहा और राकेश शुक्ला जी सबके साथ ये आयोजन ग्वालियर में मना। पूरा सावन का महीना लगातार रक्षाबंधन में एक तरह से डूब गया और बहनों का प्यार जीवन भर बना रही है। कामना करते हुए नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और खुश काम करते हुए निकट भविष्य में और नई योजनाओं को भी लाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार को बताया।